वह किसी सेलिब्रिटी फैमिली से ताल्लुकात नहीं रखती है। फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं है। उन्होंने अपनी एक्टिंग और टैलेंट के दम पर अपना एक मुकाम बनाया है और इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी हासिल की है। जी हाँ, और वो टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस है संजना सांघी, जो बॉलीवुड की राइजिंग स्टार भी है, जो फिल्म दिल बेचारा में नजर आई थी। फिल्म दिल बेचारा से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस संजना सांघी ने अपनी पहली फिल्म से ही ऑडियंस का दिल जीत लिया। फिल्म में किज्जी बासु का कैरेक्टर लोगों के दिल में बस गया। संजना अक्सर अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है, क्योंकि संजना को अभी बॉलीवुड में लंबा समय नहीं हुआ है, इसलिए लोग उनके बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं। संजना रियल में बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत है, और बॉलीवुड में आने से पहले वह कई सारे रिवॉर्ड्स को अपने नाम कर चुकी है। तो आइए, आज के इस वीडियो में मैं आपको संजना सांघी के पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ। संजना सांघी का जन्म 2 सितंबर 1996 को दिल्ली में हुआ था। उनके फादर बिजनेसमैन संदीप सांघी और माँ होममेकर सगुन सांघी है। उनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम सुमेर सांघी है, जो गूगल में काम करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनके अर्ली लाइफ और एजुकेशन की। संजना ने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पूरी की। इसके बाद इन्होंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में आगे की पढ़ाई करने के लिए नई दिल्ली के श्री राम कॉलेज में एडमिशन लिया। जब संजना स्कूल और कॉलेज में थी तब वे कई सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया करती थी, इसीलिए उनका बचपन से ही सपना था कि वे बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस बने। संजना सांघी स्कूल में एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थी। उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के चलते उन्हें एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी से एप्रिसिएशन लेटर भी दिया जा चुका है। इसके साथ ही वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुकी है। इसके बाद वो फिल्मों में काम करने के लिए अपने सपनों के साथ मुंबई चली गई। तो चलिए अब बात करते हैं इनके पर्सनल लाइफ और अफेयर्स की। तो बता दें, संजना अभी अनमैरिड है। संजना के अफेयर्स और बॉयफ्रेंड की कोई खास जानकारी नहीं है। फिलहाल वो सिंगल है और अपने करियर पर ही फोकस कर रही है, क्योंकि उनको बॉलीवुड में एक बहुत ही पॉपुलर और टॉप एक्ट्रेस बनना है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके करियर की और उनके करियर में आए उतार चढ़ाव से लेकर उनके सक्सेस होने तक की स्टोरी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में बॉलीवुड फिल्म रॉकस्टार से की थी। इस फिल्म में इनकी भूमिका मेडी कॉल की थी। इस फिल्म में इन्होंने नरगिस फाकरे की छोटी बहन का रोल निभाया था। इस समय ये केवल 14 साल की थी। इसके बाद साल 2017 में इन्होंने हिंदी मीडियम और फुकरे रिटर्न्स जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाते हुए नजर आई, जिसकी वजह से उन्हें कोई ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद इन्होंने अपने एक्टिंग स्किल को काफी डेवलप किया और लीड एक्ट्रेस के तौर पर एक्टिंग करने के लिए ऑडिशन देती रही। इसके बाद इनको दिल बेचारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका मिला। इनकी ये फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई 2022 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई। यह फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बुक पर आधारित है। इस फिल्म को मुकेश छाबरा द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इस फिल्म में संजना ने बतौर लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। इस फिल्म में इनके साथ सुशांत सिंह राजपूत थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत बतौर लीड एक्टर के तौर पर थे और संजना बसु लीड एक्ट्रेस के तौर पर। और इस फिल्म में संजना का किरदार किज्जी बासु का था, जो एक थायराइड कैंसर की मरीज थी। फिल्म दिल बेचारा में संजना की एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई थी और ऑडियंस ने उनके एक्टिंग को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया था और उनके मासूम और क्यूट लुक को सबने पसंद किया था। फिल्मों के साथ साथ संजना बहुत सारे बड़े बड़े टीवी कॉमर्शियल्स में भी नजर आ चुकी है, जैसे तनिष्क, डाबर, कोको कोला, कैडबरी और क्लोजअप जैसे एडवर्टाइजमेंट में नजर आ चुकी है। अब मैं आपको संजना सांघी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जो शायद ही आपको पहले से पता हो। नंबर वन, अपने स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी में भी हिस्सा लिया करती थी। नंबर टू, उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में बॉलीवुड फिल्म रॉकस्टार में रणबीर कपूर और नरगिस फाकरे के साथ की। नंबर थ्री, संजना पर्सनल लाइफ में बहुत ही सिंपल है और उन्हें अपना सिंपल लाइफ ही जीना पसंद है। नंबर फोर, संजना अपने बॉडी को फिट रखना काफी पसंद करती है और वो इसके लिए डेली बेसिस पे जिम जाती है और इसके साथ साथ उन्हें योगा करना भी बेहद पसंद है। नंबर फाइव, साल 2022 के अनुसार संजना 26 ईयर्स की हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।